जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका जो चैनल होता है वो रिव्यू में चला जाता है, और इस बीच YouTube बहुत सारी चीज़ों को आपके चैनल पर चेक करता है, और उनमें से 5 ऐसी गलतियां होती हैं जो कि YouTube बहुत ज़्यादा चेक करता है, और इनमें से अगर आपने एक भी गलती किया होता है तो आपका YouTube चैनल रिजेक्ट हो जाता है, यानी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता है। और उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा तो आप YouTube से एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 ऐसे पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मेन थीम। देखिए, YouTube जब भी आपके चैनल को चेक करना शुरू करता है तो वो पहली चीज़ यही चेक करता है कि आपका चैनल का जो थीम होता है वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने मुझे देख करके अपना टैग वाला चैनल ओपन कर लिया, इसके बाद आपने इस पर काम किया लेकिन इस पर व्यूज़ नहीं आने की वजह से आपने क्या किया कि आपने देखा कि ब्लॉगिंग पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं तो हम अपना ब्लॉगिंग का चैनल बना लेते हैं। उसके बाद आपने उस पर काम करना शुरू किया लेकिन उस पर भी व्यूज़ ना आने की वजह से आपने ड्राइंग का चैनल बना लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके चैनल का जो थीम होता है वो YouTube को पता नहीं चलता है कि आखिर आपका चैनल ब्लॉगिंग का है या टैग है या ड्राइंग है। तो ऐसे में आपके चैनल को YouTube मोनेटाइज नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा आज ये कर रहा है, कल वो कर रहा है, परसों दिन वो कर रहा है, इसका मन नहीं है, बस ऐसे ये काम कर रहा है। तो ऐसे में आपके चैनल को वो मोनेटाइज नहीं करता है। मिस्टेक नंबर 2, जो कि YouTube बहुत ज़्यादा चेक करता है, वो आपके पॉपुलर वीडियोस को देखता है। जो भी आपके चैनल पे सबसे पॉपुलर वीडियो होता है उसे YouTube चेक करता है कि आखिर इसमें क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिले हैं। क्या आपने कोई फर्जी वीडियो तो नहीं बनाया था? तो ऐसे में आपको हमेशा अपने चैनल पे अच्छे वीडियोस को बनाकर डालना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपका कौन सा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो अगर आपका वायरल वीडियो में मिस्टेक पाया जाता है तो ऐसे में भी आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं किया जाएगा। तो हमेशा आपको अच्छे वीडियोस को बनाकर अपलोड करना है, ताकि मान लीजिए अगर आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता है और अगर वो वीडियो अच्छा होता है तो ऐसे में YouTube उसे देखेगा, और अगर उसे लगता है कि हाँ ये वीडियो सही है, साफ सुथरा है, तो वो आपके चैनल को पास कर देता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3, YouTube ये भी चेक करता है कि अभी के टाइम पे आप कैसे वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, क्या अभी के टाइम पे आप कोई स्पैम तो नहीं कर रहे हैं। मतलब जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज देते हैं तो उसके बाद भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करते रहना होगा। इससे YouTube के पास एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हाँ ये बंदा सच में काम कर रहा है और इसके चैनल को हमें मोनेटाइज करना चाहिए। तो वो आपके न्यूएस्ट वीडियो को भी चेक करता है कि आप इसमें कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के बारे में फेक एप्लीकेशन के बारे में तो नहीं बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगला मिस्टेक जो कि YouTube आपके चैनल पे चेक करता है, जिस वीडियो से सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला होता है उस वीडियो को YouTube चेक करता है। मान लीजिए कि आपके एक वीडियो पर 10 लाख व्यूज़ है, एक वीडियो पर 8 लाख, लेकिन जिस वीडियो से सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला होगा उस वाले वीडियो को YouTube चेक करेगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग इतने देर तक इस वीडियो को देख रहे थे। और अगर आपका वीडियो फर्जी पाया जाता है या किसी का कॉपी पाया जाता है तो ऐसे में आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो आपको हमेशा अपना ओरिजिनल कंटेंट और बिल्कुल जेन्युइन साफ सुथरा ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। ना किसी का म्यूज़िक आपको यूज़ करना है, ना किसी का आपको वीडियो यूज़ करना है, ना किसी का आपको फ़ोटो यूज़ करना है, मतलब जो भी हो वो आपका होना चाहिए। तो इससे आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज कर दिया जाता है। अब हमारा जो 5वां मिस्टेक आता है वो होता है वीडियो का मेटा डेटा। मतलब जो भी आप अपने वीडियो में टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो हैशटैग टैग्स को लगाते हैं इसमें मिसलीडिंग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो आपका थंबनेल है वो भी आपके वीडियो से मेल खाता हो। जैसे कि अगर आपका वीडियो है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो वैसा ही आपको थंबनेल भी लगाना पड़ेगा, वही आपको टाइटल भी डालना पड़ेगा, और उसी से मिलता जुलता आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टैग को भी लगाना पड़ता है। तो अगर आप अपने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में
कोई भी मिसलीडिंग चीज़ें नहीं डालते हैं, बिल्कुल आप सही चीज़ों को डालते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन में भर भर के कीवर्ड्स को डाल देते हैं, तो ऐसे में वो भी मेटा डेटा के खिलाफ होता है, उससे आपका मेटा डेटा ख़राब हो जाएगा और आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो यही आपको पाँच चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला होता है थीम, और दूसरा होता है जो सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, और तीसरा होता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला होता है, और इसके बाद आपका आता है मेटा डेटा। तो आपको अपने चैनल पर कुल मिलाकर के बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। फर्जी वाला आप कोई भी काम नहीं करेंगे तो उसके बाद ही जाकर के आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा और आप भी यूट्यूब से पैसे कमा पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरा हेल्थ थोड़ा सा ख़राब है और इस वजह से आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ख़राब मिल सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।